हेलो हाय, की हाल चाल, कैसे हैं आप? मैं तो हंस हंस के पागल हो गई क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना हंसी हूँ कि मुझे लगता है मेरा आज का हंसने का डोज पूरा हो चुका है। क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में था साइरस का वायरस, और अभी साइरस हमारे साथ है और थोड़ा सा वायरस वो आपके लिए भी लेकर आए हैं। हाय साइरस, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़ एंड वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू, आई लव चंडीगढ़। मैंने शायद दो बार आए हैं जुलाई और सितंबर में, तो दिस इज नाउ बिकम माय न्यू होम, सेक्टर 47। ओके, सेक्टर 47 कभी अटैक जरूर करेंगे। हाँ, दो बंगला है वहाँ पे। शर्मा जी, अगर आपके पास टाइम है तो लेट्स नेगोशिएट। हाँ, पर्पस क्या है आज सबसे पहले चंडीगढ़ विजिट करने? देखिए, ये गोदरेज जो गोदरेज सेफ और गोदरेज की जो फैमिली है और गोदरेज की जो नाम है इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर इंडिया, और मेरे ख्याल से कि गोदरेज एंड सेफ या सेफ्टी या सिक्योरिटी दे गो हैंड इन हैंड। अब अगर आप गोदरेज का नाम सुना तो ऑब्वियसली यू विल थिंक ऑफ सेफ्स। एंड ये इनका लॉन्च है, कोई नई एडवर्टाइजिंग और नए कैंपेन की लॉन्च है, एंड दे आर काइंड एनफ टू आस्क मी टू कम अलॉन्ग एंड गेट टू सी चंडीगढ़, हिमालयाज, शिवालिक माउंटेन्स, सब कुछ देखे हैं प्लेन से। तो इट्स बीन अ पैसा वसूल डे फॉर मी। यू आर नोन टू बी अ कॉलमिस्ट, ह्यूमरिस्ट एंड अ प्रैंकिस्ट, तो आप बचपन से ही ऐसे हैं या फिर बाद में बड़े होके इधर उधर देख के? देखिए, इसका एक ही जवाब है और वो है रिसेशन। अब रिसेशन की वजह से हम कुछ करना पड़ता है, तो पैसा भरने के लिए और बिल्स भरने के लिए ज़्यादा, तो इसलिए हम थोड़ा वैरायटी करना चाहिए। तो वी बिगिन बाय ट्राइंग टू बिकम एक्टर्स, एक्टिंग बंद हो जाता है तो नेक्स्ट थिंग कॉमेडी बंद हो जाता है तो राइटिंग बंद हो जाता है तो मेकअप बंद हो जाता है तो लास्ट पॉलिटिक्स। तो जैसे आपने पॉलिटिक्स की बात की, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में है वो है यू नो द साधु, यू नो हिम, आसाराम जी। हाँ जी, एग्जैक्टली, आसाराम जी और उनके बेटे, तो उस पर क्या टेक है आपका? देखिए, ये तो अभी सब जुडिस है क्योंकि मेरे डैडी भी वकील हो, तो एट द मोमेंट इट इज़ इन द कोर्ट, सो मैं ज़्यादा कह नहीं सकते। मगर मुझे ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को साधु समझते हैं या स्वामी समझते हैं या हम कोई किसी के मालिक समझते हैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स ऑलवेज ट्रू। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी रिसर्च द पीपल बिफोर वी स्टार्ट बिलीविंग इन देम, बिकॉज ये बहुत आसान चीज़ है लाइफ में कि मैं साधु बन सकते हैं या स्वामी बन सकते हैं, कोई कल्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मगर ट्रू गॉड या ट्रू फिलोसफी इज़ वेरी डिफरेंट। सो आई थिंक वी नीड टू स्टडी द मार्केट, बट ये भी बाकी है, अगर पॉलिटिक्स बंद हो जाते हैं तो आई कैन स्टिल बिकम अ साधु। चलिए, साधु से सीधे जंप करते हैं शादी पर। अच्छा, जैसे ज़्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, एक ट्रेंड है कि यू नो लव कैन हैपन मेनी टाइम्स, तो आपका इस पर क्या टेक है कि कितना सच है ये और कितने बार प्यार हो सकता है? लव कैन हैपन मेनी टाइम्स का मतलब है कि शादी के बाद दोबारा शादी होना चाहिए यार, ऐसा आपकी बात है? लव हैज नो लिमिट, मतलब शादी से पहले, शादी के बाद, एनी टाइम। तो ये आपके मतलब है कि आपका पहले क्या टेक था और शादी के बाद क्या आप टेक है? वो तो अलग बात है यार, प्यार और शादी बेसिकली कभी कभी मिक्स हो जाते हैं, कभी कभी मिक्स नहीं हो जाते हैं। बट 12 साल के बाद मुझे ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक सिस्टम है और वो इंडिया के लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लिए है, और वो है कि जैसे हम लोग वोट देते हैं ना डेमोक्रेसी में, गवर्नर्स के लिए या प्राइम मिनिस्टर्स के लिए या लाइक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, वैसे तो वी शुड ऑल्सो वोट फॉर पार्टनर्स। तो 4-5 साल के बाद हम रिव्यू करना चाहिए कि परफॉर्मेंसेस कैसे थे। वाइफ शुड रिव्यू हस्बैंड, हस्बैंड शुड रिव्यू वाइफ, और सारे जो परिवार और फ्रेंड्स और सर्कल, बिजनेस पार्टनर्स, एसोसिएट्स, कॉलोनी में जो रहते हैं लोग, आई थिंक दे शुड ऑल बी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, और फिर हम खुल मिलकर वी शुड कम टू अ डिसीजन कि 5 साल के बाद आगे बढ़ना है इस पार्टनर में या नहीं। एंड आई थिंक दैट वुड बी वेरी फेयर वे टू गो थ्रू। ये मुझे जरूर कहना चाहूंगा, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग पीपल, ये मेरी ख्वाहिश है, प्लीज इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, लेट्स हैव 5 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप, फिर लेट्स हैव अ वोटिंग सेक्शन। इसमें कुछ पर्सनल बात नहीं है, जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, और अगर दोनों में मेरिट्स ठीक है एंड दोनों पार्टनर्स सेटिस्फाइड है एंड हैप्पी, देन फिर ठीक है, आगे जा सकते हैं। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वी कैन स्टॉप इट देयर एंड नॉट हैव मोर प्रॉब्लम्स। ऐसा कुछ आपने अप्लाई किया था बिफोर मैरिंग समवन? मैंने एक बार सजेस्ट किया, मेरे वाइफ ने बहुत मारी मेरे को, तो अपना रिलेशनशिप डेमोक्रेसी तो नहीं है, इट्स अ वन मैन डिक्टेटरशिप। आपने वन वुमन डिक्टेटरशिप। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू किए हैं अपने इस लाइफ में, तो हु इज दैट वन बेस्ट एंड व्हाई? You found interviewing. सबसे ईजी सेलिब्रिटीज़ है शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे, जो बात ज़्यादा करते हैं तो हमारे काम बहुत, आपको भी मालूम है कि अगर बात करते हैं लोग तो काम कम होता है, अगर बात नहीं करते हैं तो काम ज़्यादा होते हैं। तो शाहरुख, अमिताभ जी जैसे लोग हैं तो वी डोंट हैव मच टू डू। शाहरुख तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं कुछ बात भी नहीं करते, वो 15 मिनट्स का भाषण देते हैं उसके बाद, तो ही इज़ ऑब्वियसली वेरी ईजी टू इंटरव्यू। मुश्किल बात है व्हेन दे डोंट वॉन्ट टू टॉक,
कभी कभी अजय देवगन हु इज़ वेरी नाइस बट ही डजन ही समटाइम्स शाय, बात ज़्यादा नहीं करते हैं, या कई कई नए लड़की जो आती है शी इज़ वेरी शाय, डजन वॉन्ट टू यू नो ओपन अप इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो डेंजरस या डिफिकल्ट होते हैं, बट नॉट डेफिनेटली नॉट पीपल लाइक शाहरुख. माई गॉड सीरियसली. सो दिवाली विशेज एंड योर प्लान्स फॉर योर फ्रेंड्स फैमिली फैंस. Yes, Diwali greetings to everybody and not just in India, sare jahan pe bhi hain log. Happy Diwali but no bombs, let's have a green Diwali. I saw the paper mein article padha tha. Go green. So go green, not just Chandigarh but all over India. Please go green, less noise, more light. Thank you very much Cyrus, it was a pleasure talking to you. Aur yaad rakho, 5 saal ke baad vote de do shaadi ke bare mein. तो ये थे हमारे साथ साइरस बरोचा, जिन्होंने हमें बताया कि शादी करने से पहले एक लिव इन रिलेशनशिप को मेंटेन करना ज़रूरी, और 5 साल के बाद आप वोट ज़रूर कीजिए कि आपको इस शादी में रहना है या नहीं रहना है. और इन्होंने साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स और फैंस को दिवाली की विशेज़ दी और अपने दिवाली प्लान्स भी शेयर किए. कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज़ चंडीगढ़. खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.